आज सरिता लोक सेवा संस्थान का 22वां सम्मान समारोह अयोध्या के प्रेस क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि काव्य एवं तथ्य एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता डॉक्टर सभापति मिश्र और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर विदा बिंदु सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह पूर्व वन संरक्षक रहे। संस्थान के अध्यक्ष कृष्णमूर्ति चतुर्वेदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि तुलसीदास बचपन में ही संन्यास ग्रहण कर चुके थे, उनका विवाह हुआ ही नहीं। रही बात उनके जन्मभूमि की तो इस विषय में मेरी पुस्तक बोलेगी। सारे विवाद की जड़ बालकांड का दोहा 30 है, जिसमें शुक्र खेत शब्द हस्तलिखित पंक्तियों में पाया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं 5 सदस्य टीम गठित करके तुलसीदास का जन्म स्थान की खोज करूंगा। सरिता लोक सेवा संस्थान द्वारा कानपुर के डॉक्टर रामगोपाल पांडे को कीर्ति भारती सम्मान, डॉक्टर सूर्यवाल सिंह गोंडा को हिंदी भूषण शिखर सम्मान, पूर्व वन संरक्षक पर्यावरणविद डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, रामायण मेला के अध्यक्ष डॉक्टर बालकृष्ण पांडे, डॉक्टर कृष्ण गोपाल दीक्षित, अनुराग मिश्र, इंद्र बहादुर सिंह, प्रताप नारायण शुक्ल अन्नाव के विनय शंकर दीक्षित, डॉक्टर रमानंद शुक्ल झांसी के डॉक्टर दर्द, दतिया के अरविंद श्रीवास्तव, प्रयाग के डॉक्टर भगवान उपाध्यक्ष, लखनऊ के अरुण कुमार तिवारी साहित्य रत्नाकर सम्मान दिया गया। राजेंद्र सिंह गया, इंद्रजीत सिंह अजमेर की मधु खंडेलवाल, कानपुर के डॉक्टर उदय नारायण, छत्तीसगढ़ की डॉक्टर इंद्राणी साहू, रामनाथ साहू, गोरखपुर के डॉक्टर नंदलाल त्रिपाठी, खुशी राम त्रिवेदी तथा दतिया मध्य प्रदेश की रमा शर्मा को हिंदी रत्न समारोह से विभूषित किया गया। विवाद का मैं इसलिए मैटर बनाई कि शुक्र खेत को गोंडा से जोड़ करके देखा जाने लगा कि तुलसीदास का जन्म यहीं पर हुआ, जबकि शुक्र खेत भी कई हुए बुंदेलखंड में जो खुदाई की गई। अभी बुंदेलखंड से हमारे ओम प्रकाश दया हरियाण दर्दी जी आए हैं, दतिया से आए हैं, और दतिया के हनुमान मंदिर में जो प्रति रखी गई है उसमें इस दोहा का दूसरा स्वरूप मिलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास का जन्म मैं वही मानता हूँ। और दूसरी बात, मेरा ये भी प्रबल अभिमत है कि गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वथा अविवाहित थे, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में नरहरिदास ने जब उन्हें गोद ले लिया और उसके बाद उन्हें वैष्णव दीक्षा देकर के विरक्त बना दिया, तो फिर विरक्त होने के बाद, सन्यासी होने के बाद कोई व्यक्ति पुनः विवाह करने के लिए क्यों लौटेगा। आपने बड़ा अच्छा प्रसंग उठाया है, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, लेकिन शूद्र का अर्थ वहाँ पर किसी जात विशेष से नहीं लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में ज्ञानहीन राजा को भी शूद्र बताया गया है, न विश्वासोत बृहदारण्यक आप खोल लें। तो जब ज्ञानहीन राजा किसी भी प्रण का हो, अगर वो ज्ञानहीन है तो शूद्र है, तो वह जो है दंड का इसलिए अधिकारी है क्योंकि ज्ञानहीन है। जो ज्ञानहीन होता है उसे ताड़न इस तरह से नहीं ताड़ित किया जाए कि वो जो है ढोल की तरह फूट जाए। ढोल को भी आप ताड़ित करते हैं किसी लय ताल में विशेष अंदाज में किया जाता है, तब वो सुमधुर ध्वनि के साथ। का 22वां सम्मान समारोह है जिसमें कि देश के विद्वानों को बुला करके एक बृहद संगोष्ठी रखी गई। विषय था तुलसी जन्मभूमि कथ्य एवं तथ्य। तुलसीदास जी का जन्म स्थान अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है, इस पर विद्वान एकमत नहीं हुए हैं, बड़ा विवाद है देश में। इसलिए मेरा प्रयास है और मेरा ये शोध तब तक जारी रहेगा कि जब तक उनके जन्म स्थान का सुचारू रूप से मैं पता नहीं लगा लूँगा, जब तक समाधान नहीं कर लूँगा। इस विषय में सबसे बड़े विवाद की जड़ है बालकांड का दोहा संख्या 30, जिसमें आया है कि मैं पुनि निज गुरसन सुनी कथा सो शुक्र खेत। पहली बात तो ये, इस दोहे का जो द्वितीय पाद है उसमें 11 मात्रा के स्थान पर 12 मात्रा आ गई है, इसलिए ये दोहा जो है गलत ढंग से छाप दिया गया है। प्राचीन प्रतियों में देखने को मिलता है मैं पुनि निज गुरसन सुनी कथा रुचिर कुरखेत, तो इसमें जो है 11 अति मिल जाती, 11 मात्राएँ। तो इस आधार पर तुलसीदास जी के जन्मस्थान की खोज जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक पूर्ण समाधान इसका नहीं कर लिया जाएगा। आज सरिता लोक सेवा संस्थान का 22वां सम्मान समारोह है, जिसमें एक उद्घोषणा और मैंने की कि तुलसीदास जी सर्वथा अविवाहित थे, जिसका प्रमाण विनय पत्रिका एवं हनुमान बाहुक में प्राप्त होता है। आदरणीय मैत्रेय जी के द्वारा आयोजित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज देश भर से आए हुए विद्वानों के बीच में चर्चा हुई कि तुलसी जन्मभूमि क्या है।
इस विषय पर बहुत लंबा विवाद, गहरा विवाद चल रहा है। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन इस पर जो आधिकारिक रूप से वक्तव्य आया वो हमारे सारे लोगों की विचारधाराओं से कुछ अलग था। बहुत सारा विचार मंथन हुआ, बहुत सारे लोगों के विचार इसमें लगभग 30 से 40 के बीच में लोगों का सम्मान हुआ। देश भर के कई ऐसे विद्वान थे जो बड़े बड़े मंच पर देश और विदेश में जाते हैं, उन सबका सम्मान हुआ। मैं भी कई देशों में जाता हूँ रामकथा के संदर्भ में, मॉरीशस में और भी कई देश में मैं गया हूँ। अभी इंडोनेशिया में रामकथा के माध्यम से मैं जा रहा हूँ 24 दिसंबर को, वहाँ पर मुझे रामकथा शोध संस्थान की तरफ से भेजा जा रहा है और मैं बहुत सारे तथ्य वहाँ पर देखूँगा कि किस तरह से रामकथा को लोग लेते हैं, राम के बारे में क्या विचार है और रामचरितमानस के बारे में क्या विचार है, देश विदेश में किस तरह से लोग रामकथा से प्रभावित हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों पर शोध कार्य करना है। और मैं इस संस्था के माध्यम से भी इंडोनेशिया और मॉरीशस दो देशों का कार्य कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं शोध कार्य करूँगा और देखूँगा कि किस तरह से लोग रामकथा से प्रभावित हैं, रामकथा से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।